इन्वेजिव सर्जरी, ये क्या है और ये किस स्टेज पर करनी होती है? बेसिकली मैं स्पाइनल सर्जन हूँ, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइनल सर्जन। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटे से कट से आप जो है तो वो मतलूबा नतायज हासिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमल इन्वेजिव में ये है कि हम मरीज को जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। अच्छा, उन्हें हम लोकल एनेस्थीसिया देकर जो मतलूबा डिस्क है उस तक जाते हैं नीडल के जरिए, और फिर उस नीडल पे हम स्कोप डाल के हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है तो हम वो डिस्क जो है वो निकालते हैं। तो इसको मिनिमली इन्वेजिव स्पाइनल सर्जरी कहते हैं, क्योंकि आजकल तो सारा दौर जो है जैसे पुराने ज़माने में जो है तो ओपन करके तो पिता निकालते थे, अभी जो है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, इसी तरह ब्लैडर में। तो तमाम जो फील्ड्स हैं ऑर्थोपेडिक के अलावा भी जो है जनरल सर्जरी है, यूरोलॉजी है, उसमें मिनिमल इन्वेजिव की तरफ हम जा रहे हैं।